हम साथ साथ हैं उसमें जो ऊपर एलिफेंट लेके जा रहा है वो हमारी एलिफेंट जयपुर के एलिफेंट्स गए थे, ठीक है। और भी कई एलिफेंट जैसे अभी मैं आप एक एड देखिएगा अंबुजा सीमेंट का, अंबुजा सीमेंट का एड है, उसमें हमारी रूपा है, ये एलिफेंट दिखेगी, ये एलिफेंट दिखेगी आपको। मैं आपको, हाँ मैं आपको प्रॉपरली वो एड ही दिखा देता हूँ, वो किस तरह से पानी फेंकती है किस तरह से, वो मैं ऐड ही दिखाता हूँ आपको। ओके, तो हमारे एलिफेंट काफी एक्सपीरियंस है इस चीज में। ए, रूपा रानी ने वो अंबुजा सीमेंट का ऐड किया और ये रूपा है जो पूरे राजस्थान में एक एलिफेंट है जो आपको माला पहनाती है। अच्छा, यानी सून से माला पहनाने का जो एक हुनर है वो इसी के पास है, ये स्पेशल एक एलिफेंट है हमारी। तो इसको कैसे कैसे ट्रेंड आपने ये ट्रेंड हमारे ये मतलब जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नहीं ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग होती है जो एक जैसे हमारे जो इनके मास्टर थे, मास्टर यानी मेरे ओनर के फादर ग्रैंडफादर, उनकी ये थोड़ी लाडकी रही हुई है तो उन्होंने उसी में इनको ये छोटी छोटी ट्रेनिंग दी है। बिल्कुल पैरामेंट ये पूरे फार्म में सबसे जो ओल्डेस्ट है, एक्टिविटीज में सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट है ये। उसके बाद में जो इनका प्रेगनेंसी पीरियड होता है कि कितने दिन ये अपने बच्चे को पेट में रखते हैं, वो 2 साल होता है, 24 महीने तक इनके बच्चा पेट में पलता है, पेट में रहता है। उसके बाद जब होता है तो ट्विन नहीं होते इनके, कभी भी एक ही होता है। हाथी हमेशा सिंगल होता है, ट्विन्स सिंगल होता है, ट्विन्स नहीं होते। दूसरी बात के जब हाथी पैदा होता है तो उसके अगले 5 से 6-7 साल तक जो अपने उनके पेरेंट्स एलिफेंट होते हैं दूसरा हाथी प्लान नहीं करते, वो उसी बेबी के साथ में रहते हैं। ये लोग भी ऐसे प्रॉपर प्लानिंग होती है क्या? प्लानिंग मतलब वो अपने बच्चे के लिए अटैचमेंट होता है इनके लिए कि बच्चे को प्रॉपर हर चीज़ वो सिखाएं, हर चीज़ दें। उसके बाद ये लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं? ये सर हर एक आप देखेंगे कि मुर्गी भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको किस तरह से खाना खिलाना होता है, उसको किस तरह से पानी पिलाना होता है, सब एक जो पेरेंट्स होते हैं चाहे वो इंसानी पेरेंट्स हो चाहे वो जानवरों में पेरेंट्स हो, उनको पेरेंटिंग का पहले से पता होता है कि किस तरह से। आप जब गाय के कोई बच्चा होता है तो वो किस तरह से प्रोटेक्टिव होती है तो उसका एग्जांपल आप दे सकते हो, उसको हर चीज़ वो सिखाती है कि किस तरह से पानी पीना है, किस तरह से खाना खाना है। तो ये लोग भी मतलब हाथी भी अपने बच्चों को दूध वगैरह पिलाते हैं? हाँ, दूध के लिए जो ब्रेस्ट होते हैं वो इस तरफ होते हैं, किधर? हाथी के सामने की तरफ, ये देखिए यहाँ होते हैं, ठीक है, हाथी के सामने की तरफ होते हैं प्रॉपरली। उसी तरह से यहाँ छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा सूंड से कुछ नहीं होता, वो प्रॉपर जो उनका मुँह होता है मुँह से ही दूध पीता है वो, ठीक है। उसके अच्छा, सूंड से दूध नहीं पीते? सूंड से ये जो होती है प्रॉपर एयर के लिए होती है, दूसरा पानी को खींचने के लिए लेते हैं ये लोग। पानी खींचते हैं अपने अंदर, खींचेंगे इस सूंड में भरेंगे फिर अंदर डालेंगे मुंह में, पानी पीने का ये तरीका, पानी पीने का तरीका है, पानी पीने का तरीका है। और उसके बाद जो होता है हाथी कितने जाल जीता है, तो वाइल्ड में जो इनका एज होता है 45-50 ईयर्स होता है, पर डोमेस्टिक में ये एज डिफाइन नहीं हो सकती। आप अगर इनको जितना अच्छा केयर करोगे उतना अच्छा ही जीते। नॉर्मली डोमेस्टिक में 70-80 ईयर्स जी लेता हाथी, अगर साल, हाँ 70-80 साल जी लेता है। अगर आपकी केयर अच्छी है, आपके हाथी का जेनेटिक्स अच्छा है तो वो 90-100 ईयर्स तक भी जाता है। से एक चीज़ बताओ, जैसे ये मैंने कहीं पढ़ा था कि हाथी को कुछ मतलब अपनी साइज जैसा मतलब सबको उसको बड़ा बड़ा दिखता है, ऐसा कुछ है? ब्लर विजन होता है, थोड़ा सा विजन हाथी का ब्लर रहता है, मतलब हाथी को क्लियर नहीं दिखता। क्लियर आप ऐसे नहीं, आप इंसानी तुलना नहीं कर सकते हाथी की। ओके, बट जो विजन होता है जानवरों में भी ब्लर विजन ही होता है। ब्लर विजन मैं कह रहा हूँ पूरा एकदम अपना जैसे क्लियर विजन नहीं होता, बट वो विजन थोड़ा सा हल्का होता है हाथियों में। क्या इनको भी चश्मा वश्मा पहना सकते हैं? नहीं नहीं, इनके लिए इतना विजन बहुत होता है कि ये सारी चीज़ें कर ले, चश्मे की जरूरत नहीं है इन्हें। इनको इनको हाँ अपने पास की भी चीज़ अच्छे से दिखती है और दूध की भी। जो इनकी जो ट्रंक होती है 2 किलोमीटर दूर से चीज़ें सेंस कर लेती है कि 2 किलोमीटर दूर पानी है या 2 किलोमीटर दूर कुछ है, तो वो ईजिली सेंस कर लेंगे अपनी ट्रंक से। जो जंगलों में होता है पानी इसी तरह से ढूंढते हैं लोग, सेंस करते हैं, दूर से स्मेल आती है खाने की, दूर से स्मेल आती है पानी की, वो सेंस होती है। जो हमने ये प्लेस 2008 में इसलिए बनवाया था कि जो लोग आए वो हाथी के पास प्रॉपर टाइम दें, क्योंकि ऐसे तो आप देख लीजिए कि गलियों में भी हाथी आते हैं, बट उस पर आप प्रॉपर उन चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं ले सकते कि हाथी का क्या लाइफ स्पैन होता है, किस तरह से हाथी रहता है। तो ये जगह सफारी वगैरह भी करवाते हैं हाथी की? हाँ, काफ़ी तरह की, नॉट ओनली सफारी बट काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ होती है। जैसे एलिफेंट राइड पहला एक्सपीरियंस होता है एलिफेंट के लिए, उसके बाद में आप एलिफेंट को फीड करा सकते हैं बनाना शुगर केन जो उनका फेवरेट फूड होता है, उसके बाद में आप एलिफेंट के ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग ना बोल के एलिफेंट पे वो मसाज होती है, क्योंकि जो इनकी स्किन होती है इन पे काफ़ी जो होती है सेंसिटिव मैं बोल रहा हूँ, पर वो वाइब्रेशनल स्किन होती है, जब आप उनको टच करते हैं तो उन्हें स्क्रैचिंग फील होती है, मसाज फील होती है। तो जो हमारे कलर्स होते हैं सब वेजिटेबल मेड कलर्स होते हैं हम जो यूज़ में लेते हैं, और बैम्बू ब्रश होता है, यहाँ पर कुछ भी उन पर पेंट करके वॉशेबल कलर्स होते हैं, ठीक है। बाद में जब ये नहाएगा या हाँ, अभी हैंड टू हैंड नहलाते हैं,
पेंटिंग हम हैंड टू हैंड साफ करते हैं, उसके बाद में पूल हम गर्मियों में, ये हमारा पहला एशिया का डेडिकेटेड स्विमिंग पूल है एलिफेंट्स के लिए, जो हमने 2011-12 में बना दिया था। अच्छा, पूल के पास मैं अभी लेके चलूंगा, जो हमने प्रॉपर एलिफेंट्स को नहाने के लिए बनाया था। ठीक है, वहाँ पे एलिफेंट्स नहाते हैं। हाँ, हमारे एलिफेंट जाते हैं। सफारी कहाँ करवाते हो आप? सफारी जो हमारे यहाँ का विलेज का पीछे का स्ट्रीट एरिया है वहाँ पे भी कराते हैं। दूसरा, हमारा पीछे बड़ा कंपाउंड है, कोई बाहर जाने के लिए हेजिटेट करते हैं तो हम कंपाउंड में भी करवाते हैं। दूसरा, होस पाइप से आप शावर दे सकते हो, आप पूल में नहीं जाना चाहते तो होस पाइप होता है जो बोरवेल का पाइप आता है, उससे भी शावर होता है। वॉक कर सकते हो आप हाथी के साथ में, उनकी लैंग्वेज में हाथी को आप चला सकते हो, किस तरह से हाथी की लैंग्वेज जो होती है, हाथी की प्रॉपर कमांड्स होती हैं आगे बढ़ने के लिए, पीछे जाने के लिए, घूमने के लिए, तो वो सीख सकते हो आप। जो बाहुबली अभी करके दिखाया था ये कर सकते हैं आप हाथी के साथ में। इन एक्टिविटीज़ के साथ में भी आप जैसे हाथी को हक करके, टच करके अपनी मेमोरीज खींच सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप हाथी के साथ में, देख सकते हैं कि हाथी लाइफ किस तरह से, हाथी दिन भर रहता है क्या, हाथी की देखे जाए तो क्या नेचर है हाथी का, इंसानों के साथ कैसा नेचर होता है, पहले 5 मिनट में कैसा नेचर होता है, अगले 10 मिनट में कैसा नेचर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हम ये पे चीज़ें करवाते हैं। तो ये हमारे जो एली जंगल का मेन मोटिव यही है कि आप नॉलेज दीजिए एलिफेंट के बारे में, क्योंकि कहीं पे भी आप अभी भी एलिफेंट के ऊपर एक पिक्चर भी आई थी जिसको एलिफेंट विस्पर, हाँ एलिफेंट विस्पर है, वो साउथ की पिक्चर है। वो साउथ में किस तरह से उन्होंने जो है उनका हाथी था, किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टोरी पता आपको, उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में स्ट्रगल रहा है हाथी के साथ में, कि उनको प्रॉपरली नहीं देने दिया, बच्चे को किस तरह से ग्रो किया प्रॉपरली, इसी के ऊपर है जो एलिफेंट का मास्टर और एलिफेंट के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर ही है पूरी फिल्म में वो। आपने देखी है? हाँ, मैंने भी देखी है, लगभग हम सभी ने देखी है, क्योंकि एलिफेंट ही हमारा मेन रहता है कि आप एलिफेंट पर किस तरह से स्टडी करते हैं, कितना एलिफेंट का क्या बिहेवियर रहता है, तो एलिफेंट से रिलेटेड चीज़ें हम दिन ब दिन पढ़ते ही रहते हैं। जो एलिफेंट कहाँ से रहते हो, ये जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? इंटरनेट का बहुत बड़ा सर सागर है, इंटरनेट पे खूब एलिफेंट्स के बारे में, ऐसी इंडिया ही नहीं एलिफेंट्स काफ़ी जगह पे भी हैं, थाईलैंड में भी एलिफेंट्स हैं, आप अगर बाली में जाओगे कि वहाँ पे भी एलिफेंट्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारा डेंस एलिफेंट का एरिया है। जैसे आप साउथ में मन्नार जाएंगे वहाँ है, केरला में है, तमिलनाडु में एलिफेंट्स हैं, बेंगलोर में भी है, बेंगलोर यानी कर्नाटका में है, इधर इस बेल्ट में रहने के बाद अब नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ एलिफेंट्स है, आसाम में एलिफेंट्स है सबसे ज़्यादा, आसाम के बाद में जो आसपास का एरिया है बिहार में एलिफेंट्स है, बंगाल में एलिफेंट्स हैं, तो एलिफेंट का एरिया खूब है जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ में खूब एलिफेंट्स। नॉर्थ में आपको एलिफेंट्स प्रॉपरली डोमेस्टिक मिलेंगे, वाइल्ड में नहीं मिलेंगे एलिफेंट्स। एक मैंने ये सुना था कि जब ये यहाँ पर जब महाभारत की शूट हुई थी जयपुर में, हाँ ठीक है, तो यहाँ लोकल एलिफेंट यूज किया गया आपको? हाँ हाँ, हमारे एलिफेंट्स अभी भी शूटिंग्स में जाते हैं, पता है आपको? मैंने आपको बताऊं कि बहुत सारी फिल्मों में हमने एलिफेंट्स दिए हैं, जैसे एक हमारी जो भी वो एक फिल्म थी